नमस्कार दोस्तों, जो लोग ऑस्ट्रेलिया एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, स्पेशली वेजिटेबल्स, स्पाइसेज, गारमेंट्स, आज उन सभी लोगों के लिए बहुत ही अच्छा वीडियो ये रहेगा। मैं आप लोगों के सामने कुछ डाटा शेयर कर रहा हूँ, कुछ ऐसे बायर्स कॉन्टैक्ट शेयर कर रहा हूँ, नंबर में कम हैं बट दे आर वेरी जीनियन, एकदम से ट्रू फैक्ट के अंदर वो लोग बायर हैं। तो एक बार आप सभी लोगों को जो भी डाटा आपके सामने आएगा, जो डिटेल्स बायर की आपको पास में आएगी, क्योंकि मैंने कोशिश की है उसमें ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर या उनका फ़ोन नंबर वहां पे ऐड कर सकूं, और मैंने वो किया है। ये डाटा जो है वो ऑलरेडी हम लोगों ने, हमारा जो इंडिया एक्सपोर्टर बिस ट्रेड का व्हाट्सअप ग्रुप होता है उस पर हम लोगों ने ऑलरेडी शेयर किया है, लेकिन मुझे लगा कि आप लोगों के साथ में भी इसे शेयर करना चाहिए, तो मैं आज ये वीडियो के माध्यम से कर रहा हूँ। बाकी जो लोग व्हाट्सअप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारा बिजनेस ट्रेड का, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वो ज्वाइन कीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। बट वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको दो चीजें बड़ी क्लियरली कहना चाहूंगा। पहली ये कि हमेशा बायर और पोटेंशियल बायर दोनों में डिफरेंस को पहचानना सीखिए। बायर आपको बहुत मिल सकते हैं, लेकिन पोटेंशियल बायर बहुत रेयरली मिलते हैं, और जब मिलते हैं तो उन्हीं के साथ में बिजनेस रोल आउट होता है, ट्रांजेक्शंस होते हैं, और वही बिजनेस आपका गेन होता है। बायर मींस जस्ट ए डाटा, आपके पास में डाटा है और ये डाटा आपको कहीं से परचेज नहीं करना है दोस्तों, बिकॉज अगर आप कहीं से परचेज करते हो तो उस डाटा के ऊपर ऑलरेडी इतना ह्यूज कंपटीशन होता है, जिसके साथ में आप मार्केट के अंदर, आप लोग बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है कि सर बहुत बड़ा कंपटीशन है, हम लोग सर्वाइव नहीं कर पा रहे, मार्जिन्स नहीं है। तो इसके लिए ट्राई कीजिए खुद के बेसिस के ऊपर कुछ ऐसे बायर्स निकालने की, ऐसे पोटेंशियल बायर्स निकालने की, जिनके साथ में आप अपने बिजनेस को बढ़ा सको। दूसरी बात जो है वो यही है कि आपको कस्टमर और कंज्यूमर दोनों के फर्क को समझना होगा। अब आप सोच रहे होंगे, बिकॉज हम नॉर्मली यही कहते हैं कि ये मेरा कस्टमर है, ये मेरा कंज्यूमर है। कस्टमर वो होता है जो आपसे माल लेता है, कंज्यूमर वो होता है जो उस माल को कंज्यूम करता है। कस्टमर मे बी कंज्यूमर इफ द क्वांटिटी इज वेरी लो, बट अगर बड़ी क्वांटिटी है तो आप समझ सकते हो कि वो आपका कंज्यूमर कभी नहीं बनेगा, वो हमेशा कस्टमर रहेगा, वो हमेशा आपका क्लाइंट रहेगा, और वो जिससे माल सेल करेगा वो आपका कंज्यूमर होगा। तो हमेशा इस चीज को ध्यान में रखिए कि वो इज योर कंज्यूमर, क्योंकि जब भी आप एक्सपोर्ट में बायर ढूंढने को जाएंगे, मार्केट रिसर्च को जाएंगे, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि एक्सपोर्ट मार्केट में जब तक आप अपने कंज्यूमर को, अपने बायर को, अपने कस्टमर को नहीं पहचान पाओगे, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले जो नए लोग हैं मैं उनसे यही कहूंगा कि नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसे प्रेस जरूर कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, इसके आगे बहुत सारे ऐसे वीडियो जाएंगे जो आपके एक्सपोर्ट बिजनेस में आपको आगे बढ़ने में बहुत हेल्प करेंगे। दोस्तों सबसे पहला जो है ऑस्ट्रेलियन बायर कॉन्टेक्ट फॉर वेजिटेबल्स, यहां पर आप एड्रेस देख सकते हो, विल्सन हाइट्स फ्रेडली ग्रॉसपर्स 588B ऑगस्टी। यहां पे आप फोन नंबर देख सकते हो, यहां पे आप ईमेल आईडी देख सकते हो इनका, और ये बिजनेस टैक्स, मतलब ये किस किस चीजों में ये डील करते हैं, ये ग्रोसरी में कर सकते हैं, होलसेल ग्रोसर में करते हैं, गवर्नमेंट फूड्स में करते हैं, सुपरमार्केट है, हेल्थ फूड शॉप है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ये बायर जो है ये इन सभी चीजों में डील करता है। तो आप अगर फ्रूट्स वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अंदर या ग्रोसरी के अंदर आप वर्किंग कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको यहां पे अपने लक को जरूर यूज करना चाहिए। सेकंड जो है वो ऑस्ट्रेलियन बायर फॉर स्पाइसेज, जो लोग स्पाइसेज मर्चेंट हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, उन लोगों के लिए स्पाइसेज प्लस इंडियन रेस्टोरेंट है, बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, आप खुद भी इसे सर्च कर सकते हो गूगल के ऊपर, CNRQN Travels STS 4670 ये वहां का पिन कोड है, फोन नंबर यहां पे आप इनका देख सकते हो, इनका ईमेल आईडी हमें नहीं मिला तो इसके लिए हमने डायरेक्ट फोन नंबर दिया है। तो आप जो लोग भी इनसे मिलना चाहें या बातचीत करना चाहें वो डायरेक्टली इनसे कॉल के ऊपर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आप इन्हें टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं फॉर इंक्वायरीज, या फिर आप डायरेक्ट कॉल करके इनसे बात कर सकते हैं। अब इनका वर्किंग क्या है, ये कैटरिंग भी करते हैं, फंक्शंस, लोकेशन जो है इनका ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड, ये इनके लोकेशंस हैं, यानी ये यहाँ यहाँ पे फंक्शनिंग करते हैं, तो इसका मतलब बिजनेस थोड़ा ग्रो है, बिजनेस थोड़ा बड़ा है, तो आप डिसेंटली तरीके से यहाँ पे भी, जो स्पाइसेस के अंदर जो लोग डील करते हैं वो डिसेंटली तरीके से यहाँ पे भी एक बार खुद को ट्राई कर सकते हैं।
थर्ड जो है वो है फॉर जींस, आप जींस कह सकते हो, आप टी शर्ट्स वगैरह कह सकते हो, जो भी लेदर आइटम्स हैं उनके लिए आप कह सकते हो। तो मोटरसाइकिल जींस पैंट्स इस फर्म का नाम है, ऑस्ट्रेलियाज बेस्ट कलेक्शंस, यानी ये होलसेलर है वहाँ पे, रिटेलर है वहाँ पे। ये इनका ईमेल आईडी यहाँ पे दिया हुआ है, प्लस यहाँ पे फ़ोन नंबर इनका दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये फ़ोन के ऊपर आप ट्राई कर सकते हो, आप मेल कर सकते हो। बिजनेस टैक्स में आप देख सकते हो ऑस्ट्रेलिया एंड वर्ल्ड वाइड शॉप नाउ, यानी ये ऑस्ट्रेलिया में तो वर्किंग करते ही हैं, बट उसके साथ में ये एक्सपोर्ट का वर्किंग भी करते हैं, इम्पोर्ट भी करते होंगे। स्पॉन एंड अदर मेन्स वुमेन लेदर एसेसरीज एट चीप प्राइस, वन डे शिपिंग इन सिडनी, यानी जैसा कि आप देख रहे हो कि वन डे शिपिंग इन सिडनी का मतलब है कि ये एक ई कॉमर्स वाले पोर्टल के हिसाब से भी वर्किंग करते होंगे या सप्लाई चेन का। तो ये बहुत अच्छी बायर लीड, मैं इसे कह सकता हूं कि एक अच्छी बायर लीड है, जिससे आपको पोटेंशियल बायर बनाने में कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा, बायर और पोटेंशियल बायर में फर्क होता है। बायर हमें बहुत मिलते हैं, हमें कोशिश करनी होगी उसे हमारे पोटेंशियल बायर बनाने के लिए। एक मेरे पास में रिक्वेस्ट आई थी यूएसए के लिए, तो कुछ हैंडीक्राफ्ट आइटम्स के लिए। तो जो लोग भी हैंडीक्राफ्ट्स में डील करते हैं, जो लोग हैंडीक्राफ्ट्स के मैन्युफैक्चरर हो या मर्चेंट हो, तो उन लोगों के लिए यूएसए का मैं यहाँ पे डाटा आपको दे रहा हूँ, या आप यहाँ पे फॉर्म का नाम देख सकते हो, और इनका फ़ोन नंबर मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप डायरेक्ट इनसे कॉन्टैक्ट कीजिए, कॉल कीजिए, बातचीत कीजिए, बताइए उनको यू आर फ्रॉम इंडिया, आपके पास में किस तरीके का मटेरियल है, किस तरीके से आप सप्लाई कर सकते हो। ये जो बिजनेस टैक्स आप देख सकते हो, हैंडीक्राफ्ट आइटम, हैंडीमेड आइटम्स, होम डेकोर आइटम्स, एंटीक्यू आइटम्स, यानी ये सारे आइटम्स के अंदर ये लोग डील करते हैं। तो जो लोग ये बिजनेस टैक्स के हिसाब से डील करते हैं, जो इनके कैटेगरी में फिट बैठते हैं, उन्हें यहाँ पे ट्राई करना चाहिए, यूनाइटेड स्टेट, कैलिफोर्निया, सेंट जॉन्स। तो ये कुछ डाटा थे दोस्तों जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किए हैं। आप इन्हें बार बार देखिए, जो भी फोन नंबर मोबाइल नंबर अपना ट्राई एक बार, लक अपना जो है वो जरूर ट्राई कीजिएगा। इसके साथ में दोस्तों, जब भी कम्युनिकेशन की बात आती है, तो मैं यहां पे कम्युनिकेशन जो होता है, कम्युनिकेशन इज की ऑफ एनी बिजनेस। आप किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हो, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विथ योर बायर। अगर आपके कम्युनिकेशन में दम नहीं हुआ, तो बायर पोटेंशियल बायर नहीं बन पाएगा। तो कम्युनिकेशन के कुछ टिप्स हैं, लाइक योर ग्रीटिंग स्टाइल। आपकी जो ग्रीटिंग स्टाइल है, जो फर्स्ट सेंटेंस जो आप बोल रहे हो, जिस वे में बोल रहे हो, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, दैट विल मेक इंपैक्ट ऑन द बायर्स माइंड। सो आपको वो बहुत ध्यान रखना है। प्लस आपको कुछ खुद के प्रिपरेशन रखने हैं, जैसे प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, आपके पास में अपने प्रोडक्ट की पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ये वीडियो के अंदर ये डाटा हमेशा यहां पर रहेगा, तो इसके लिए बिल्कुल भी जल्दबाजी मत कीजिए। जिस चीज के लिए आप कॉल कर रहे हो, जिस चीज के लिए आप वर्किंग करना चाहते हो, उसका पहले पूरे प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, जैसा कि मैंने हर वीडियो में आप लोगों से कहा है, प्रेजेंटेशन स्टाइल, क्योंकि जितना प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन आपके पास में होगी, उतना आप उसको अच्छे से प्रेजेंट कर पाओगे। इंफॉर्मेशन अबाउट लॉस, टैक्स, लॉजिस्टिक पार्ट, इससे पहले आपको पूरा देखना पड़ेगा कि क्या क्या लॉज वहां पे है, किस तरीके से आप, क्या टैक्सेशन पार्ट रहेगा, लॉजिस्टिक पार्ट किस तरीके से रहेगा, पेमेंट टर्म्स किस तरीके से आप करना चाहते हो, तो ये सब चीजें आपको देखनी होगी। कॉन्फिडेंस ऑफ डीलिंग, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप उस डील को कर सको, तभी आप कॉल कीजिएगा। अगर नहीं है तो मैं कहूंगा कि अब तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक दो बार आप कॉल करोगे, एक दो बार आप मेल भेजोगे, उनके रिप्लाईज आएंगे, फोन के ऊपर कॉल करोगे तो वो क्या बोलते हैं, ये सब चीजें आप अंडरस्टैंड कर पाओगे, मेजर कर पाओगे। जितने लोग ऑस्ट्रेलिया शिपिंग करना चाहते हो, मैं एक लमसम आपको शिपिंग चार्जेस वहां का बता देता हूं कि वहां का जो शिपिंग चार्जेस होता है, नियर अबाउट $900 के करीब का होता है। तो अब कोई भी ये एक्सक्यूज नहीं देगा कि मैं क्या एफओबी बताऊं, क्या मेरी सीआईएफ वैल्यू बताऊं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। मैंने एक लमसम अमाउंट आपको बताई है कि इतना रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा जैसा कि आपको पता है, पोर्ट के ऊपर एक 15 से 20 हजार रुपए का खर्चा हो जाता है, जिसमें टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस और कुछ अदर चार्जेस इंक्लूड होते हैं। तो ऐसा करके आप अपने बेसिक के अंदर और इसके अंदर आप पूरा का पूरा आप अमाउंट बता के उनको एफओबी वैल्यू और सीआईएफ वैल्यू बता सकते हो। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो जो आएगा हमारा, मैं आपको बता रहा हूं कि जो लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, वो सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको कैलकुलेशन का एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि जो आप एक कॉम्पिटिटिव प्राइस, जिसे कहा जाता है, आपके मार्जिन के साथ में आप बायर को दे सकते हो, और मैं मानता हूं कि उस कॉम्पिटिटिव प्राइस के अंदर बायर आपका पोटेंशियल बायर जरूर बनेगा। तो जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आप लोगों को जल्द से जल्द मिले। और दोस्तों, वीडियो को अगर आपको इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो, हमारा यह प्रयास है कि हम इस तरीके के और बायर्स डाटा आप लोगों के साथ में लाते रहेंगे। तो अगर आपको अच्छा लगे,
तो हमें जरूर मोटिवेट कीजिए, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। आज वापस मैं एम कर रहा हूं 100 लाइक्स का आप लोगों की तरफ से। बहुत मेहनत होती है इन चीजों को निकालने के अंदर, और आप बट हम आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तो आप लोगों के साथ में काम कर रहे हैं, तो हम यही चाहते हैं कि हमें भी आप लोगों का साथ मिले, आप सभी लोगों का, क्योंकि जब हम लोग मिलकर काम करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे, देश आगे बढ़ेगा। इसी शुभकामना के साथ में मैं चेतन कुमार वर्मा, इंडिया एक्सपोर्टर, क्लिक सेटअप बिजनेस सॉल्यूशन की तरफ से आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर दोस्तों, एक नए पावर के साथ में, एक नए मेंटल सेटअप के साथ में। तब तक अपने लक को ट्राई करते रहिए वीडियो के ऊपर, अपने लक को ट्राई करते रहिए इन कॉन्टेक्ट्स के ऊपर, मेल सेंड कीजिए, क्या रिवर्ट आता है वो आप देखिए। और जो लोग, जिन लोगों का जैसा भी एक्सपीरियंस हो इसके पहले का, अगर उन्हें बायर्स के रिलेटेड कोई भी इश्यू हो तो वो नीचे एक बार कमेंट में जरूर लिखिए। जैसे कम्युनिकेशन के मैंने आपको बात की, अगर कम्युनिकेशन में कुछ भी दिक्कत हो तो आप एक बार नीचे लिखिए, मैं एक स्पेसिफिक वीडियो उस पर आप लोगों के लिए बनाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू एवरीवन।